अपनी 26 मिनट की तकरीर करने के बाद कहा कि मैं बेंच से अलहदा हो रहा हूँ। हमारे पास कोई छड़ी नहीं है, लेकिन जिनके पास कोई छड़ी है उनके पास क्या कोई है? कबल उस वक्त जब असेंबलियां तहलील होंगी तो होगा ये कि हुकूमत को 3 महीने मिल जाएंगे इंतखाबात के लिए। अब कोई मजीद जज साहब अगर कोई अलहदा खुद होना चाहता है तो वो अलग हो भी सकता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। खबर यह है कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। 2 जज साहिबान की अलहदगी के बाद 9 रुकनी बेंच टूट कर 7 रुकनी बेंच रह गया था, जबकि अब जस्टिस मंसूर की भी अलहदगी के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जी, पहले 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। ये मामला कहाँ से शुरू होता है? ये मामला शुरू होता है एहतजाज़ एहसन की पिटीशन पर, उसके वकील लतीफ़ खोसा की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट के जज बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, जिसमें जिसके बाद अव्वल तो उसमें 9 जज साहिबान थे। जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा अपनी 26 मिनट की तकरीर करने के बाद कहा कि मैं बेंच से अलहदा हो रहा हूं, तो वो अलग हो गए। उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब वो भी अलग हो गए। ये बाकी बचा 7 रुकनी बेंच। अब एक जज साहब जस्टिस मंसूर अली शाह जो उस वक्त पूछ रहे थे जब ये 7 रुकनी बेंच जब अपने टूटने के बाद 7 रुकनी बेंच नमूदार हुआ, तो मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि आप मुझे बताएं कि क्या मैं इसको कंटिन्यू रख सकता हूं या नहीं, क्योंकि अगर आपको एतराज़ ना हो, क्योंकि वो उनका रिश्ता था कुछ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब से, उनकी जो इस वक्त चल रही है सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों में ना किए जाएं, तो उसके हवाले से फिर उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद टाइम किल करना था क्योंकि फिर बीच में सैटरडे संडे आ गया, उसके बाद मंडे आज जब ये समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि साहब आप पर एतराज़ है। उन्होंने कहा ठीक है, मुझ पर एतराज़ है, मैं अलग हो जाता हूँ। तो बहरहाल अब 6 रुकनी बेंच है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखो हमारे पास कोई छड़ी नहीं है, लेकिन जिनके पास कोई छड़ी है उनके पास क्या कोई है अखलाकी कोई कानूनी, क्योंकि छड़ी से मुराद उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पुलिस को जिस तरह से हुकूमत पंजाब यूज़ कर रही है और सियासी मुखालफीन को दबाने के लिए उनके घरों में जाकर तोड़फोड़ की जा रही है, तो इसका हवाला शायद उन्होंने दिया होगा। बहरहाल जस्टिस एजाजुल अहसन साहब इस वक्त बेंच में हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस यया आफरीदी हैं, जस्टिस सैयद मजायर अली अकबर नकवी साहब बेंच का हिस्सा हैं, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा भी इस वक्त बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं लेकिन हम तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। बहरहाल अब होगा क्या, अब क्या ये फैसला दिया जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस तो ये चाहते हैं कि इस केस को जल्द अज जल्द टेकअप करके कोई उबूरी या कोई हतमी फैसले की जानिब बढ़ा जाए, लेकिन जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक हुकूमत ऐसे हथकंडे ज़रूर इस्तेमाल करेगी कि इस केस को मतलब कोई टाइम लिया जाए, डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाए, ताखीरी हरबों का इस्तेमाल किया जाए। और साथ ही जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखें हमारे पास सिर्फ कानून होता है, हमारे पास सिर्फ आईन होता है कि जिसका हम हवाला देते हुए फैसले करते हैं, आप हमें ताना देते हैं लेकिन हम तामुल का मुजाहरा करते हैं। बहरहाल ये केस अब क्या नया रुख इख्तियार करेगा, कोई मज़ीद कोई जज साहब अलग या जज साहिबा अलग होंगी या नहीं, लेकिन इस वक्त ये है ना चीफ जस्टिस साहब के मूड से तो ये लग रहा है ना कि वो इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो अलग नहीं इस केस को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि जो सिविलियंस के ट्रायल हैं अव्वल तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा भी था कि कितने सिविलियंस के ट्रायल हो रहे हैं फौजी अदालतों में, तो
इस बार जो समाअत हुई थी और उसके अलावा एक और पिटिशनर थे, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर हुक्मे इम्तना यानी कि स्टे ऑर्डर देकर उनको रोका जाए जब तक आप हतमी कोई फैसला नहीं करते। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि जब उनका हम मामला देख रहे हैं और हम बहुत जल्द फैसले की जानिब होंगे, उबूरी जो भी फैसला होगा हम उसको देख लेंगे। इस वक्त अब क्या है, अब हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत की एक बात तो सामने आ गई ना कि वो जल्द कबल अज़ वक्त असेंबलियाँ तहलील करेगी, क्योंकि कबल अज़ वक्त जब असेंबलियाँ तहलील होंगी तो होगा ये कि हुकूमत को 3 महीने मिल जाएंगे इंतखाबात के लिए। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए 3 महीने मिल जाएंगे, हुकूमत को और टाइम मिल जाएगा इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। लेकिन जब हुकूमत जब जो असेंबली है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी 12 अगस्त 2023 तक, तो उससे पहले वो उसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, तहलील करना चाहते हैं। लेकिन अगर उसको अपनी मुद्दत के पूरी होने के बाद ही वो ख़त्म हो जाए, अज़ ख़ुद ख़त्म हो जाए असेंबली, तो होगा क्या? तो होगा ये कि 2 महीनों में इंतखाबात होंगे, 2 महीनों में इंतखाबात होंगे, यानी कि 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे। 60 रोज़ का इंतखाबात के इंतखाबात हुकूमत इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जिस वक्त जैसे मुआशी हालात हैं आप देखिए कि तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाला जा चुका है, और उसके साथ साथ जो गरीब है वो इस वक्त महंगाई में पिसा हुआ है, 38% महंगाई है इस वक्त। और आप देखें कि ईद उल अज़हा पर जो कुर्बानी करने वाले जो साहिब इस्तेदात लोग थे वो उनके जेब पर भी बहुत भारी खर्चा होगा। इस बार एक आजमाइश होगी, एक इम्तिहान होगा कि वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे लगता है कि अब ये फैसले की जानिब जाया जाएगा। अब कोई मजीद जज साहब अगर कोई अलहदा खुद होना चाहता है तो वो अलग हो भी सकता है, लेकिन इसके बारे में चीफ जस्टिस को बड़े साफ अंदाज में कंटिन्यू करना चाहते हैं, और जब तक इसका फैसला नहीं होगा चीफ जस्टिस साहब ये चाहेंगे कि इस बेंच को मज़ीद कंटिन्यू किया जाए। अब होगा क्या, हुकूमत नहीं चाहती कि इसको कंटिन्यू हो, तो हुकूमत कोई नया एतराज़ करेगी। साहब देखें ये आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर समाअत पेंडिंग है, पहले उसको देख लें फिर वो कर लें। फिर चीफ़ जस्टिस साहब क्या करेंगे, फिर चीफ़ जस्टिस साहब उसको देख के कहेंगे साहब उस पर तो हमने हुक्म इम्तना ही दिया हुआ है, तो वो तो तब करेंगे जब हम उसको पूरा टेकअप करेंगे उस मामले को। लेकिन अब होगा क्या, अब इस मामले पर हुकूमत के तो जो हैं जो इरादे हैं वो साफ ज़ाहिर हो गए हैं, वो ये चाहती है कि किसी न किसी तौर पर ये जज साहिबान कोई ऐसा फ़ैसला दें जो हुकूमत को मंजूर हो। यही वो हुकूमत के लोग हैं ना जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर चीफ जस्टिस से मंसूब कोई जुमले ऐसे वहाँ पर जुमले कसे गए कि एक जानवर का नाम लेकर चीफ जस्टिस हाय हाय, तो ये कहा जा रहा था। उसके बाद चीफ जस्टिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस वक्त, और चीफ जस्टिस साहब ये भी कहते हैं कि आप वो है ना कि जो हमें जब हमने इलेक्शन पंजाब इलेक्शन इंतखाबात को जो मुलतवी वाला फ़ैसला उसको कलदम करार दिया था तो आपने हमें हम ख्याल जजेस का ताना भी दिया था, बहरहाल हम अपने फ़ैसलों से पीछे नहीं हटेंगे, इंतखाबात 14 मई को होंगे। नाज़रीन गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई, अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।